गाइस, मैं आज आपको फ़िश कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये इसका नाम इस फिश का नाम रोहू फिश है। तो आज हम फिश की तैयारी किए हैं, आज वो मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को। तो ये मैंने वॉश कर लिया है फिश को। ये इधर लहसुन मैंने छील लिया है। लहसुन आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा है। ये हमारे बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए अच्छा रहता है लहसुन। और इसमें अगर डालते हैं फिश में तो ये फ़ायदेमंद रहता है, इसलिए मैंने इतने लहसुन 2 से 3 गड्डी छीली है इसमें। और 3 ये प्याज लिया है, 3 प्याज मैंने छील लिया है। अदरक लिया है और इधर मसाले हैं, धनिया लिया है 2 चम्मच, सरसों लिया है, गरम मसाला आधा स्पून लिया है, जीरा लिया है, हल्दी और मिर्ची पाउडर। अदरक को हम ऐसे घिस लेंगे क्योंकि ये मिक्सी में अच्छे से पिस नहीं पाता है, अच्छे से प्योर इसका ग्रेवी अच्छे से हो जाए, इसके लिए अदरक को घिस लेंगे। प्यूरी जो बनाएंगे तो उसमें प्याज भी ऐसा, प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इसको जितना पीसना है उतना ऐसे टुकड़ों में दो प्याज को कट कर लेंगे। और बाकी जो एक प्याज था उसको बारीक सब तड़का देने के लिए ऐसे छोटे छोटे पीस में इसको ऐसे कट करके रख लेंगे साइड में। अब इस सारे को एक में रख के अब इसका पेस्ट बना लेंगे। ये ऐसा बारीक एकदम ही पेस्ट बन जाता है, ये हाथ से टच करने पर एकदम ही पूरे अच्छे से पिस गया है। अभी ये अभी इसको निकाल लेंगे। 2 टमाटर लेके इसको चॉप कर लेंगे। 2 टमाटर, बहुत लोग खटाई वटाई डालते हैं तो मैं खटाई नहीं डालती हूँ, उसकी जगह मैं टमाटर डालती हूँ फिश में, ग्रेवी बनाती हूँ। तो अभी गैस को स्टार्ट कर लेंगे। कढ़ाई रख दिया है, ये इसमें मसाले आधे मैंने निकाल लिए, आधा बचा के रखा है। अभी इसमें हम नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। हम फिश को फ्राई करेंगे, इसमें नमक मैंने ऐड कर दिया है। और ये मैंने आटा निकाला है। बेसन बहुत लोग यूज करते हैं लेकिन मैं बेसन नहीं यूज करूँगी, मैं आटे में कैसे क्रिस्पी होता है वो बताऊँगी। न चावल का आटा नहीं है, ये गेहूँ का आटा है, मैंने थोड़ा सा लिया है। डीप फ्राई करने के लिए हमने इसमें ऑयल डाल दिया। डीप फ्राई कैसे करेंगे गाइस, ये फिश ले लिया है मैंने, इसमें इसको ऐसे मसाले में हल्के हाथ से, ये मसाला क्या होता है, मसाला कढ़ाई में तेल में ऐसे नहीं जाता, इसको हल्के हल्के हाथ से इसमें ये करके और इसमें डालते जाएंगे। इसकी बनता है मसाला कढ़ाई में चिपकता नहीं है। गाइस अब ये हम देखेंगे, ऐसा पलट लेंगे, देखेंगे कि हो गया है कि नहीं हो गया है। इसको चेक करेंगे और इसको ऐसे पलट लेंगे ध्यान रखते हुए।
टूटे नहीं फिश हमारा। गाइस आप ये देख रहे हैं अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। गाइस देखेंगे अभी हो गया है क्रिस्पी, अभी इसको भी निकाल लेंगे फटाफट। निकालने के बाद से ये देखिए ये ऐसा क्रिस्पी हो गया है। मसाले इसमें सिर्फ मसाला लगाएंगे ऐसे इसके मंडे में, इसको निकाल लेंगे। फ्राई हो चुका है और इसको निकाल के रखेंगे साइड में। ये जो एक्स्ट्रा तेल था इसको निकाल लेंगे थोड़ा, अभी निकाल लिया है। हल्का सा मेथी डालेंगे, मेथी डाल के चलाएंगे, ये ब्राउन हो गया है, ब्राउन हो गया है। अभी इसमें हम प्याज नमक स्वाद अनुसार गल गया है मसाला। अब मसाले इसमें ऐड कर देंगे, जो भी मसाले हमने बचा के रखे थे सारे मसाले इसमें ऐड करके इसको ऐड कर दिया। मसाले पकने तक इसको ढक देंगे। इसको देखेंगे इसका मसाला इसको चलाते रहेंगे समय पर। मसाला कैसे भून गया है कि नहीं भून गया है ऐसे 5 मिनट के लिए रखेंगे। अभी मसाला भून चुका है, अब इसमें आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी ऐड कर देंगे। इसको पानी ऐड करके मिक्स कर लेंगे। देखेंगे अच्छे से उबाल मार दिया है। अभी इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करी थी फिश, ऐड कर लेंगे सारे फिश हमें ऐड कर लेंगे। ढक देंगे 2 मिनट के लिए। अभी चेक करेंगे, देखेंगे कि अच्छे से उबाल हो गया है। अब इसमें धनिया काट के रखे थे, धनिया को ऊपर से ऐड करेंगे।
और ये हमारा हो गया फिश तैयार। ये हमारा फिश रेडी हो गया। अब इसको शाबू करके